If a base angle of an isosceles triangle is represented by x degrees, represent the number of degrees in the vertex angle. अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसका वर्टिक्स एंगल है, तो हमने रिप्रेजेंट दी इसकी वैल्यू ही मालूम करनी है, जबकि बेस एंगल हमें दिया गया है एक्स नॉट एक्स डिग्री, तो जाहिर है ये भी एक्स होगा क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल में दोनों साइडें इक्वल होती हैं, तो ये अननोन है, तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2x, यानी कि x की वैल्यू होगी 180 माइनस 2x जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।